दोस्तों आज के वीडियो में हम फूड से रिलेटेड एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती है। और इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी सबसे खास बात क्या है कि रोड पे लगने वाले ठेलों से लेकर फाइव स्टार होटल तक हर जगह पे लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करना पसंद करते हैं। और वो प्रोडक्ट है पाव, जिसको बहुत सारी जगह पे लादी पाव भी कहा जाता है। दोस्तों एक लादी के अंदर टोटल 12 पाव होती है, मतलब एक दर्जन पाव होती है। सो दोस्तों इस चीज का बिजनेस शुरू किया जा सकता है और अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये बिजनेस में नया क्या है, ये बिजनेस तो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, अगर हम भी शुरू करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये बिजनेस भले ही पुराना बिजनेस है लेकिन इस बिजनेस को आप नए तरीके से कर सकते हो। कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए वो समझ के अगर आप बिजनेस करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। देखिए कस्टमर को क्या चाहिए, कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी की ज्यादा चीज। सो दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा आपके आसपास में अगर कोई ये बिजनेस कर रहा है तो वो कितनी क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा है। उससे थोड़ी बड़ी क्वांटिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो, आपकी पाव का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, इस तरीके का बनाकर आप बेचोगे तो डेफिनेटली आपका बिकेगा। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर कोई भी ये बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको कितनी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इस बिजनेस से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं और साथ ही साथ में लादी पाव को किस तरीके से बनाया जाता है। तो इस वीडियो में ए टू जेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बस वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन से भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों पाव आज के टाइम में एक नेसेसिटी बन चुकी है क्योंकि मेट्रो सिटीज में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपना पूरा दिन पाव खा के ही गुजारते हैं। और आप ये भी जानते होंगे पाव का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस बिजनेस को कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, ये जो बिजनेस है ये B2C नहीं है, ये B2B बिजनेस है। मतलब पाव बनाकर आप डायरेक्टली कस्टमर को बेचने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको पाव बनाकर उन लोगों को सेल करना होगा जो पाव का बिजनेस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके आसपास में कोई पाव भाजी का ठेला लगाता है उसको आप सप्लाई करेंगे, कोई वड़ा पाव का ठेला लगाता है, अंडा पाव का ठेला लगाता है, मिसल पाव का ठेला लगाता है, वहां पे आप सप्लाई करेंगे। साथ ही साथ में जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं और छोटे मोटे जिनके ढाबे वगैरह होते हैं वहां पे आप सप्लाई करेंगे और वहीं से ही आपका क्वांटिटी में माल बिकने वाला है। सो दोस्तों उनको आपको फोकस करना है, आपको डायरेक्टली कस्टमर को सेल करने की कोशिश नहीं करनी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप पाव बनाने का बिजनेस शुरू करेंगे तो उसके साथ साथ आप और भी दूसरी चीजें बनाकर भी बेच सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में भी इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पाव बनती कैसे है उसका पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए दोस्तों पाव बनाने के लिए सबसे पहले आपको डॉ तैयार करना होगा और डॉ तैयार करने के लिए कौन सी चीज कितनी मात्रा में डालनी है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए यहां पे मैं आपको कैलकुलेशन जो बता रहा हूं वो 100 किलो के हिसाब से बता रहा हूं। तो मान लीजिए अगर आप 100 किलो मैदा लेते हैं तो उसके अंदर आप 2 किलो नमक डालेंगे, 1 किलो शक्कर डालेंगे, 100 ग्राम बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 किलो यीस्ट पाउडर डालेंगे। तो दोस्तों इन सारी चीजों को आपको डॉ मेकर मशीन के अंदर डाल देना है और इसके अंदर पानी डालना होगा और उसके बाद में आपको डॉ तैयार कर लेना है। यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, रोटी बनाने के लिए हम जिस प्रकार का डॉ तैयार करते हैं वैसा नहीं करना है, पाव का डॉ थोड़ा सा ढीला होता है तो उस प्रकार का आपको बनाना होगा। और एक बार जब आपका डॉ तैयार जाए तो उसके बाद में आपको छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं, बेकिंग ट्रे के ऊपर रखना है और हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करना होगा। उसके बाद में इन बॉल्स को लगभग 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली हो जाए और ये जो बॉल्स है थोड़े से फूल जाए। उसके बाद में आपको इस्तेमाल करना होगा बेकिंग ओवन, मतलब जो भट्टी होती है उसके अंदर आपको उसको पकाना होगा। लगभग 10 से 15 मिनट के लिए आप पकाएंगे, उसके बाद में आपकी पाव बनकर तैयार हो जाएगी और उन पाव के ऊपर आपको ऑयल से ग्रीसिंग करनी होगी ताकि पाव कड़क ना हो जाए। और एक बार पाव ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद में आप उसको पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज सकते हैं या फिर चाहें तो पैक करके स्टोर करने के लिए भी रख सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, इस प्रकार आप लादी पाव बना सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा पाव बनाना कितना आसान है, अब इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीजें यूज हुई होंगी तो अगर आप भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है मशीन्स एंड इक्विपमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मशीन के बारे में। दोस्तों आपको दो मशीन की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहली मशीन है डॉ मेकिंग मशीन। इस मशीन की मदद से आप डॉ बना पाएंगे। तो इसके अंदर आपको वो सारे रॉ मटेरियल डाल देने हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं प्रोसेस के टाइम पे और उसके बाद में ये मशीन ऑटोमेटिकली डॉ बना के आपके लिए तैयार कर देगी जिसका इस्तेमाल करके आप पाव बना पाएंगे। दूसरी मशीन है बेकिंग ओवन।
दोस्तों ओवन की मदद से आप पाव को गर्म कर पाएंगे या फिर कह सकते हैं एक्चुअल में पाव को बना पाएंगे। तो आपको ये दो मशीन की जरूरत पड़ने वाली है अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो इसके बाद में आपको कुछ यूटेंसिल्स और कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको 100 ट्रे खरीदनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आपने जो पाव बनाई है उनको रखने के लिए आपको कंटेनर की जरूरत पड़ने वाली है, साथ ही साथ में आपको कुछ और भी छोटे मोटे यूटेंसिल्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा पैकिंग करने के लिए आपको बड़ी बड़ी थैलियों की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी पाव भाजी के ठेले होते हैं या वड़ा पाव के ठेले होते हैं उनके यहाँ पे जो पाव आती है वो लादी की लादी पाव आती है और एक बड़ी सी थैली होती है ट्रांसपेरेंट वाली, उसके अंदर पाव डाल के बेचते हैं। तो वैसी थैली की आपको जरूरत पड़ने वाली है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। उसके बाद में दोस्तों आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रोसेस के टाइम पे ही। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है स्पेस। तो आपके पास कम से कम 400 स्क्वायर फुट से लेकर 500 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, ताकि आप दोनों मशीन रख सको, आपका तैयार माल रख सको और साथ ही साथ में जो रॉ मटेरियल उसको भी रख सको। तीसरी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है एम्प्लॉयज। तो दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 3 से लेकर 4 एम्प्लॉयज होने चाहिए। एक तो डॉ मेकिंग मशीन को ऑपरेट करने का काम करेगा, एक बेकिंग ओवन में काम करेगा, साथ ही साथ में एक बंदा पैकिंग का काम करेगा। इसके अलावा एक बंदा ऐसा होगा जो मार्केट में जाके ऑर्डर लेकर आएगा। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा आपके पास कम से कम 3 से 4 एम्प्लॉयज होने चाहिए। देखिए अगर आप मार्केट में जाके खुद ऑर्डर लाने वाले हैं तो आपको 3 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप किसी और को रखने वाले हैं तो टोटल 4 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है। चौथी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है डॉक्यूमेंटेशन। देखिए इस बिजनेस में सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा, और कंपनी को रजिस्टर करने के बाद में आपको 2 लाइसेंस लेने पड़ेंगे। सबसे पहला है ट्रेड लाइसेंस और दूसरा है FSSAI का लाइसेंस, क्योंकि ये फूड से रिलेटेड बिजनेस है इसलिए आपको फूड लाइसेंस भी लेना होगा। साथ ही साथ में दोस्तों आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन भी करवा लेना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की कोई भी सब्सिडीज मिले तो उसका फायदा आप उठा सकें। सो दोस्तों इन चीजों की जरूरत आपको पड़ने वाली है अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगर कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो उसके पास कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ में उतना इन्वेस्टमेंट करके वो कितने पैसे कमा सकता है। तो ये दोनों चीजें बताने के लिए मुझे लेकर चलना होगा आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, वहां पे मैं आपको डिटेल में कैलकुलेशन करके बता देता हूं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो डॉ मेकिंग मशीन आपको मिल जाएगी लगभग 25,000 रुपए की, बेकिंग ओवन जो होता है वो आपको मिल जाएगा 3 लाख रुपए का। इसके अलावा यूटेंसिल्स के लिए आप 3,000 रुपए पकड़ लीजिए, और पाव को रखने के लिए जो कंटेनर्स की जरूरत पड़ेगी उसका आप पकड़ लीजिए 17,000 रुपया। टोटल हो जाएगा 3,45,000 रुपया। उसके बाद में दोस्तों आपको फैक्ट्री को सेटअप करना होगा, मतलब छोटा मोटा फर्नीचर करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कराएंगे, कलर वलर कराएंगे, तो उसका आप मान लीजिए लगभग 1,00,000 रुपये का खर्चा आपका आ जाएगा। उसके बाद में आपका बिजनेस अच्छे से चलता रहे उसके लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए, क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पर रेंट पे करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, साथ ही साथ में एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ेगी, तो आपके पास पैसे होने चाहिए। तो उसका मैं पकड़ लेता हूँ 2,00,000 रुपया। तो अगर हम टोटल करेंगे तो हो जाएगा 6,45,000 रुपया। सो दोस्तों इतना पैसा आपके पास होगा तो आप इस बिजनेस को अच्छे से शुरू कर पाओगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा पाव बनाने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट भी आता है, और उसकी शुरुआत होती है 6,00,000 रुपए के आसपास से, और उससे महंगा भी आता है। तो अगर आप कम बजट में शुरू करना चाहते हैं तो इन मशीन के साथ कर सकते हैं, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्यादा एम्प्लॉयज को रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा 1 किलो जो डॉ होता है उससे 24 पाव बन जाती है, मतलब 2 लादी पाव बनकर तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो 1 किलो डॉ है इसके अंदर कौन सी चीज कितनी मात्रा में जाती है और उसका क्या प्राइस होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 700 ग्राम मैदा होगा जिसका प्राइस लगभग पड़ेगा 18 रुपए के आसपास, और 250 ml पानी होगा जिसका मैंने पकड़ लिया 50 पैसा। उसके बाद में अदर जो मटेरियल है उसका मैं पकड़ लेता हूँ 1.5 रुपया, और 2 रुपया पकड़ लेते हैं पैकिंग की थैली का। तो टोटल हो जाएगा 22 रुपया, मतलब 222 रुपए में आपकी 24 पाव बनकर तैयार हो जाएगी 2 लादी पाव। तो 1 लादी पाव में टोटल 12 पाव होती है, मतलब 212 पाव आपकी 11 रुपए में बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसका अगर मैं सेलिंग प्राइस आपको बताऊं तो मार्केट में ये बिकती है 20 रुपए से लेकर 24 रुपए के बीच में। अगर आप 20 रुपए में भी बेच रहे हैं तो पर लादी के ऊपर आपको 9 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। अब दोस्तों जिन मशीन्स के बारे में मैंने आपको बताया उन मशीन की कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि 1 घंटे में वो 100 किलो डॉ की पाव बना सकती है। तो अगर आपकी मशीन दिन में 5 घंटे भी चलती है तो आप लगभग 1,000 लादी पाव बना सकते हैं। अगर आपको 1 लादी के ऊपर 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 1,000 के ऊपर 9,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, और अगर आप महीने में 25 दिन भी काम करते हैं तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 2,25,000 रुपया। दोस्तों ये जो प्रॉफिट है ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से आपको अपने खर्चे भी निकालने पड़ेंगे, जैसे कि आपको अपना रेंट निकालना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना होगा, आपके साथ जो एम्प्लॉयज काम करें उनका खर्चा भी निकालना होगा, और ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट आएगा वो भी आपको निकालना होगा। तो आप यूं मान लीजिए इस बिजनेस को शुरू करके आप महीने के 80,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे पाव मेकिंग बिजनेस शुरू करके आप कितने पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा
दोस्तों, मान लीजिए आपने ये बिजनेस शुरू कर दिया या किसी भी और प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू कर दिया, और शुरू करने के बाद में उस बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सके, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक कैसे पहुंचा जा सके, इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको पूरा प्लान बताऊं किस तरीके से मार्केटिंग की जा सकती है, किस तरीके से सेल किया जा सकता है, तो उसके ऊपर एक डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप में से कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे कि अगर हमको मशीन खरीदनी है तो हम कहां से खरीद सकते हैं, तो यहां पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, हम किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो आप इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको वहां से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और डीलर के नंबर मिल जाएंगे, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि कौन सी वेबसाइट पे एग्जैक्टली आपको ये डिटेल मिल जाएगी तो आप जस्ट डायल पे चेक कर सकते हैं, इंडिया मार्ट पे चेक कर सकते हैं, और भी कुछ वेबसाइट है जहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। आपको सिंपली क्या करना होगा, लिखना होगा डॉ मेकिंग मशीन इन मुंबई, इन दिल्ली, आप जहां कहीं भी रहते हैं उसका नाम लिखना होगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत सारे सप्लायर आ जाएंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहां से खरीद सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।